नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबर। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत नाग पंचमी के दिन हुई कुश्ती प्रतियोगिता पर भाजपा ने उठाया सवाल। कुश्ती को लेकर भी कांग्रेस कर रही अलग राजनीति, यह आरोप भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष एवीएन वरिष्ठ पार्षद नगर सीधी श्रीमती पूनम सोनी द्वारा लगाया गया है। उनके साथ कई पार्षद भी खिलाफ बयान दे रहे हैं। भाजपा पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका स्वयं के खर्चे से कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कुश्ती प्रतियोगिता करा गया है, जो गलत है। इस बारे में मैं पूनम सोनी महिला पार्षद एवं भाजपा जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा सहित वरिष्ठ पार्षद बाबूलाल कुशवाहा एवं अन्य ने क्या कहा, सुनी पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के साथ वरिष्ठ पार्षद भी हैं। एक आपके माध्यम से आवाज़ उठाई गई थी, दंगल प्रतियोगिता हुआ नागपंचमी के दिन, उसमें क्या कहेंगे, क्या नगर पालिका के प्रशासन से पूरा खर्चा बे हुआ है? सबसे पहले जगन्नाथ भैया, आपको और मुझे देख रहे सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपने कम से कम इस सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता से रूबरू होने का अवसर दिया मुझे। और ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, जो हमारे सीधी जिले की एक पहचान है, हमारे यहाँ हमेशा विगत कई वर्षों से दंगल का ये कार्यक्रम आयोजन होता आ रहा है, जिसको देवेंद्र सिंह मुन्नू जी जब थे अध्यक्ष, तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि इसका जो भी खर्चा आएगा वो नगर पालिका वहन करेगी उस खर्चे को। और आज कहीं ना कहीं इतने वर्षों से जो प्रथा चली आ रही है, इतना अच्छा ये आयोजन होता था, इसे कहीं ना कहीं पार्टियों में बांट दिया गया है। ये छोटी मानसिकता लेकर अगर नगर पालिका में इन्होंने कब्जा कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत दिनों तक ये आगे बढ़ेंगे। इनको ये सार्वजनिक कार्यक्रम था, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो हमारी बैठी है, किसी एक, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी एक दल की सरकार है, लेकिन सरकार हर दल की होती है, कांग्रेस पार्टी, भाजपा हो या अन्य कोई भी दल हो, हर व्यक्ति की वो सरकार होती है, हर व्यक्ति का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन इन्होंने कार्यक्रमों को भी बांट लिया है और नगर पालिका परिषद, हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, उन वो इसका खर्चा दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस भाजपा ना करके अगर ये सबको लेकर चलने का ये प्रयास करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो सीधी नगर का विकास और अच्छा होगा। जो इनकी नाकामी को दर्शाता है कि ये इतनी छोटी मानसिकता रखते हैं कि बैनर में भी सिर्फ अपने नेताओं की फ़ोटो लगाते हैं। जो अभी कार्यक्रम हुआ दंगल प्रतियोगिता, इसमें आपने सीधा आरोप लगाए हैं कि नगर पालिका खर्चे पर हुआ है, क्या कहेंगे? ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है कि नगर पालिका ही इसका खर्चा वहन कर रही है। और ये बात का दुख है कि नगर पालिका में अगर कोई कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से हो रहा है, तो यहाँ केवल एक कोई भी व्यक्ति मुखिया नहीं है, 24 वार्ड हैं, 24 वार्ड के जो पार्षद हैं उनको भी प्राथमिकता देनी चाहिए, जो इनके बैनर, पोस्टर या अन्य कहीं भी। माननीय अजय सिंह राहुल भैया को मुख्य अतिथि बनाया गया, अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी को से करवाई गई, जबकि हमारे 24 वार्ड के पार्षद, 24 वार्ड के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको उनके द्वारा ही किसी न किसी के बीच आपने जो पार्षद हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उन्हीं में से आप मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि या अध्यक्षता करवा लेते, जिनको आपने बनाया। आज वर्तमान में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, आप एक तरह से कांग्रेसमय बनाना चाह रहे थे कार्यक्रम को, सरकारी कार्यक्रम को कांग्रेसमय कर दिया। ये तो स्वाभाविक होता है, कोई भी सरकार आती है उनके हिसाब से काम होता है। नगर में कांग्रेस सरकार है, वो अपने हिसाब से बुलाए हैं, इसका विरोध करना उचित समझेंगे? नहीं नहीं, ठीक है, नगर में है कांग्रेस की सरकार है, तो क्या अध्यक्ष जी को ही मुख्य अतिथि बना दिया जाता? नगर पालिका आयोजक तो नगर पालिका थी। हाँ, तो नगर पालिका प्रशासन सबसे बड़ी एक मुद्दा आया है कि ये पूरा खर्चा नगर पालिका उठा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है, हम लोगों को लेटर गया था कि नगर पालिका के तरफ से, नगर पालिका। आपने जानकारी लिया सीएमओ से? जी बिल्कुल,
सीएमओ से आपने जानकारी लिया? नहीं, सीएमओ के द्वारा तो हम लोगों को लेटर ही दिया गया था। लेटर देना अलग बात है, सरकारी खर्चा नगर पालिका उठा रही है, ये जानकारी आपने लिया? नहीं, हमने लिया नहीं, लेकिन आप बताइए, आपने जानकारी लिया सरकारी खर्चा? जी, सरकारी खर्चा से ही ये कार्यक्रम हुआ है। आपने जानकारी सीएमओ से लिया? 100% सीएमओ से हम लोग मिलने आए, उससे पहले सीएमओ यहाँ से निकल गई, सीएमओ से हम लोगों की बात नहीं हो पाई, लेकिन ये सरकारी खर्चे से ही कार्यक्रम हुआ है। हैं तो इनको सभी पार्षदों को महत्व देना चाहिए, 2400 वार्ड के पार्षदों का नाम होना चाहिए, 2400 वार्ड के पार्षदों को इनको साथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए, नगर के विकास के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं इस बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन इनकी छोटी मानसिकता है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को नेतागिरी चमकाने के लिए उस कार्यक्रम में बुलाया है। इसका विरोध आपने नगर पालिका करना उचित समझेंगी? ये इसका विरोध केवल मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो कुछ बोल सकते हैं फ्रंट में आकर और कुछ बोल भी नहीं सकते, उनके मन के अंदर की मलाल है। तो ये हम सिर्फ मेरा विरोध नहीं है, ये सारे पार्षदों का गलत निर्णय हुआ है। आप भी एक सुलझी पार्षद हैं, भाजपा से चुनी गई हैं, आप क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि सबको एक बेर सामान देना चाहिए, चाहे जो भी हो, 2400 वार्ड के जो पार्षद हैं, तो सबको मान सम्मान एक साथ में एक मिनट देना चाहिए। लगता है कि नगर पालिका भाजपा पार्षदों के साथ अनदेखी कर रही है, क्या कहेंगे आप? ये तो हम ये अनदेखी की बात नहीं कर सकते, मेरा कहना यही है कि जो यहाँ से योजना होती है तो सब के लिए है ना, एक के लिए तो नहीं है। आपको दंगल में नहीं बुला गया था? हमको दंगल में नहीं बोला गया था। आप किस वार्ड के पार्षद हैं बताइए, 12 नंबर आप बताइए भैया। मैं वार्ड क्रमांक 20 डनिया से। क्या लगता है जो आवाज़ उठाई जा रही है नगर पालिका, आप भाजपा के पार्षदों के साथ अनदेखी कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो पहले बताना चाहूँगा आपसे, भाजपा से विलयन करता हूँ, पर मैं निर्दलीय पार्षद हूँ वार्ड क्रमांक 20 डनिया से। जो कल अभी बीच अभी परसों या दंगल का कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके पूर्ण रूपेण से आयोजक नगर। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।